स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको कि जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रूल्स का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस हमारा, सेंटेंस का मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट होता है, वो हमारा एसर्टिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, और फिर इम्परेटिव भी हो सकता है, और इम्परेटिव के आगे फिर अलग से ऑप्टेटिव भी हो सकता है, लेटस वाले सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, और भी कई तरीके के हो सकते हैं। तो हर तरीका जो अलग टेंस, अलग सेंटेंस होगा, उसमें अलग तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, और कुछ अन्य चेंजेस भी हम उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो अब चूंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमारे अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें ये पता चल जाए कि जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हम पता लगाएंगे। यहाँ देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, इससे हम डायरेक्ट पता चला लेंगे ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से कुछ करने के लिए कहा जाता है, कुछ कहता है, मतलब कोई व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति से कुछ कहता है। सामने वाले व्यक्ति से कैसे कहेगा, भाई वहां जाओ, यहां आओ, मेरे लिए ये लाओ, पंखा बंद करो, गो देयर, कम हेयर, सिट देयर, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट स्मोक, ऑल दीज सेंटेंसेस आर इम्परेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इनमें एक व्यक्ति ने अपने सामने वाले व्यक्ति से कुछ करने के लिए कहा है। लेकिन इसमें भी क्या है, जब हम सामने वाले व्यक्ति से कहते हैं तो उसमें भी हम ये देखते हैं कि हमारा बड़ा है, हमसे कुछ बड़े हैं, तो उनसे कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, मीन्स उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमारे बराबर के हैं तो हम उनसे अलग तरीके से बात करते हैं, यानी सुझाव या सलाह देते हैं। हमसे यदि छोटे हैं तो हम उनको ऑर्डर दे सकते हैं। इस प्रकार जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सेंस के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे सेड टू, अब सबसे पहले हमने ही लिया, ही के बाद सेड टू को, जैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस है तो इस सेड टू को हम किस में चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड और कमांडेड, इस तरह के सेंटेंसेस में, या एक वर्ड और बनता है आस्क्ड में हम चेंज कर सकते हैं। अब हमें किसको किस में चेंज करना है ये हमारे ये सेंटेंस का टाइप बताएगा। इम्परेटिव है लेकिन इम्परेटिव में क्या चीज़ शो हो रही है, प्रार्थना किया गया है, ऑर्डर दिया गया है, या फिर सलाह दी गई है, या फिर सुझाव दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब लानी होती है। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ध्यान देंगे यदि प्लीज और काइंडली आया हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है। तो हमने यहां क्या लेना है, ही रिक्वेस्टेड मी। अब क्या होता है, जो प्लीज होता है उसको हम हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली हटा देते हैं, क्योंकि इसका सेंस हमने रिक्वेस्टेड इसके रूप में ले लिया। ठीक है, अब क्या बात बनती है, अब यहां पर हमें जैसे कंजंक्शन पहले दैट लेते थे या इफ या वेदर लेते थे या क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में रखते थे, इसी तरह से हमें यहां पर एक कंजंक्शन का प्लेस है ताकि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट किया जा सके। लेकिन यहां पर जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई स्पेशल कंजंक्शन नहीं लेते, बल्कि उसको जोड़ने के लिए हम या तो टू का प्रयोग करते हैं या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। टू का मतलब यदि सेंटेंस एफर्मेटिव है तो फिर टू का प्रयोग करेंगे, यदि नेगेटिव है जिसमें डू नॉट आया हुआ यहां आप देख सकते हैं तो उसमें डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो प्लीज यहां पर हट गया और मैं यहां पर कंजंक्शन के स्थान पर ले रहा हूं टू, हेल्प मी को चेंज करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पर्सन पहले उसमें यूज किए हैं। पर्सन कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और ही का आ जाएगा him। ठीक है, आगे देखेंगे द टीचर, अब सेड टू को फिर से चेंज करेंगे, अब यहां पर देखेंगे डू नॉट मेक ए नॉइज,
अब ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये बात टीचर ने कही है, तो टीचर ये बात रिक्वेस्टेड तो नहीं कहेगा, ठीक है, वो या तो एक सलाह के रूप में कहेंगे, कोई भी टीचर है या तो वो सलाह के रूप में कहेंगे या ऑर्डर के रूप में कहेंगे, या फिर एक वर्ड और बनता है साधारण कहेंगे, तो उसके लिए हम आस्क्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको यहां क्या क्या यूज कर सकते हैं। द टीचर, ओ आर डी ई आर ई डी, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड भी आ सकता है, ए डी वी आई एस ई डी, एडवाइज्ड भी आ सकता है, और यहां पर आस्क्ड भी आ सकता है, ए एस के ई डी, आस्क्ड भी आ सकता है। तीनों में से हम कोई सा भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हम आस्क का प्रयोग करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें ना तो ऑर्डर एडवाइस या किसी भी तरह से अगर किसी बड़े ने कुछ करने के लिए कहा तो हम आस्क्ड का प्रयोग उसमें जनरली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आगे क्या लेंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या है, डू नॉट है, तो केवल टू ना लगा के पहले नॉट लगा लें, नॉट और टू, उसके बाद इस पार्ट को छोड़कर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मेक है, मेक ए नॉइज, ठीक है। टीचर ने हमसे कहा शोर मत कहो करो, अब इसमें क्या आ गया कि टीचर ने हमसे शोर न करने के लिए कहा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राजू सेड टू को, फिर देखें यहां पर प्लीज आया हुआ है, प्लीज का मतलब है फिर रिक्वेस्टेड ही हमें यूज करना पड़ेगा, राजू रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी हिम। अब ध्यान देंगे, प्लीज था तो हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया और प्लीज को हम यहां से हटा देंगे। दूसरा, अगर यहां पर सर या मैडम कोई वर्ड आता है, सर या मैडम कोई वर्ड आता है, तो उसको हम एक वर्ड और दे देते हैं, रेस्पेक्टफुल्ली, और रेस्पेक्टफुल्ली को हम यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसके बाद में हम लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, राजू रेस्पेक्टेड, सॉरी रिक्वेस्टेड हिम रेस्पेक्टफुल्ली, राजू रिक्वेस्टेड हिम रेस्पेक्टफुल्ली। अब फिर टू फॉरगिव मी को फिर से चेंज करेंगे, मी का मतलब सब्जेक्ट, राजू से चेंज करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और राजू को हमें क्या चाहिए, मी का मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो राजू का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, राजू का सब्जेक्ट बनेगा ही और ऑब्जेक्ट हिम, और यदि पजेसिव की आवश्यकता होती तो हम लेते हिज, तो यहां पर मी ऑब्जेक्ट है, हमें यहां ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, राजू का, मतलब हिम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया।